नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। विवादित जमीन पर हिस्ट्री होने के बावजूद हो रहा अवैध कब्जा, उप जिलाधिकारी के आदेश पर थाना प्रभारी SHO सुरेश कुमार पटेल ने कार्य को रुकवाया। उन्नाव से अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। उन्नाव थाना फतेहपुर 84 के अंतर्गत ग्राम कुचगनवा उर्फ पट्टी हमीद के मदरसा जामियातुल फला प्रबंधक सफात अली का कहना यह है कि हमारे गाँव में मस्जिद और मदरसे के बगल से एक रास्ता निकली हुई थी, परंतु उसी रास्ते को गाँव के दबंगों ने अवैध तरीके से निर्माण कराकर उस रास्ते को बंद कर दिया। अब्बास अली, मोहम्मद हमजा, नूरेन, गुड्डू आदि कुछ दबंगों ने हिस्ट्री होने के बावजूद विवादित जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करवाने लगे। इस पर दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। यह मामला यहां तक नहीं अदालत तक पहुंच चुका है, लेकिन अदालत को ताक पर रख कर के दबंग भूमाफिया अवैध रूप से करवा रहे थे कब्जा। यह मामला सफीपुर उप जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए हिस्ट्री की हुई जमीन पर हो रहे कार्य को रुकवाने के लिए SHO थाना प्रभारी फतेहपुर 84 सुरेश कुमार पटेल को सख्त निर्देश दिए और थाना प्रभारी सुरेश कुमार पटेल के द्वारा उस कार्य को पूर्ण रूप से रुकवाया गया। बता दीजिए पता। क्या मामला है दादाजी आपका? राष्ट्रीय मामला इसमें है, मदरसा मस्जिद का। आपने इसकी शिकायत कहीं पर की? अब शिकायत कई बार हम आए, कानून को देख के बदलते हैं, ऐसे हम क्या बताएंगे। हम लोगों ने कहने वाला को क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद रिफायत अली है। आप किस गांव में रहते हो? वासी पट्टी हली। क्या मामला है आपका? मेरा मामला सर ये है कि ये बाजू में आपने जैसा कि देखा कि विद्यालय मदरसा है, वहाँ से आने के लिए वहाँ पे एक रास्ता है। ये मस्जिद के लिए जो कि आपको भी दिखाया है, आपने उसको कैमरे में कैद भी किया है, वो आने का रास्ता था, उसको ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे कि ये राहगीरों को और सामुदायिक तौर पर लोगों को परेशानी होती है आने जाने में, मस्जिद में आने के लिए या इस तरफ से रोड पर आने की थोड़ी दिक्कत होती है। और उसके अलावा इसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे भी हैं और यहाँ इतराफ़ के भी बच्चे हैं, सारे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो इनके लिए आने जाना एक मुश्किल पड़ जाता है, बहुत काफ़ी दूर से आना जाना इन लोगों का होता है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये रास्ता जो ब्लॉक किया गया ये खुलवा दिया जाए, इसलिए ताकि बच्चे आ सकें। बहुत सारे बच्चे सामुदायिक तौर पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, ये परेशानी हो गई है, जब से दीवार को ब्लॉक रखा है तो आना जाना मुश्किल हो रहा है। इसकी शिकायत, इस रास्ता की शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? शिकायत सर ये हुआ था कि हम SDM साहब को ऑर्डर लिखाए हुए थे, SDM साहब ने ऑर्डर दिया था, फिर हम नेपाल को और कानून को के लिए पैमाइश के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ आकर के हम उस पैमाइश से सहमत नहीं है, वो आकर के इस तरीके से बस ऐसा वैसा करके चले, हम उससे सहमत नहीं हुए। फिर उसके बाद में फिर सर हम कोर्ट की तरफ पर हमने स्टे किया, स्टे की कॉपी अभी 84 में भी भेजी है और सर्कल ऑफिसर में भी जाएगी, और SDM साहब का ऑर्डर बोला तो SDM साहब का ऑर्डर भी आ जाएगा, लेकिन सर काम धड़ाधड़ हो रहा है, जबकि स्टे कॉपी हो चुकी जैसा कि मैंने आपको भी भेज दी थी। हाँ, क्या है सर पूरा मामला है? सर भाई साहब, इसका मामला जो भी है थाने को बताया जा चुका है, इसमें रास्ते का विवाद है जिसके लिए थाने में अवगत हो चुका है, ये दोनों पक्ष अब थाने जा रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई SHO साहब के द्वारा की जाएगी। इसकी हिस्ट्री हो चुकी है पता लगा सर? कौन सी हिस्ट्री हो चुकी है इस मकान की? रजिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री हो चुकी है जो कि कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसका मैटर ये है कि यानी कि ना ही ये पक्ष बनेगा जब तक फैसला नहीं हो जाता। अब हमने दोनों पक्षों को बोल दिया ये अभी थाने जा रहे हैं, थाने में जो भी कार्रवाई SHO सर करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। मैंने अपना कार्य जो था दोनों पक्षों को थाने जाने के लिए बोला है, वो अभी जा रहे हैं दोनों पक्ष। नाम है भाई साहब आप लोगों के? हमारा नाम सफात अली है। कहाँ से आए आप? पट्टी हमीद। क्या मसला है आपका? मसला ये है कि हमारे गांव में एक मदरसा है और मस्जिद है जी। काफ़ी दिनों से मस्जिद और मदरसे से जोड़ने वाली एक रास्ता थी। अच्छा, उसको जो है गांव के दबंग लोगों ने निर्माण करके बंद कर दिया। निर्माण करा के मदरसे रास्ते को बंद कर दिया जी। उसमें गाँव के जो है पूर्व प्रधान भी, बाकायदा जो मौजूदा प्रधान वो भी शामिल हाल है। अच्छा, उनका पूरा हाथ है इस काम में। और बंद किसने कराई जमीन वहाँ पे, मतलब रास्ते को? वो जो मौजूदा प्रधान है अब्बास अली, उनके बेटे मोहम्मद हमजा, नूरैन, हसनैन। अच्छा, इन लोगों ने बंद कराई। हाँ। अच्छा, मौके पे क्या उनकी कोई जमीन है वहाँ पे? जमीन मौके पर उनकी उस रास्ते से दूर है, मगर उन्होंने जो है राजनीतिक
दुश्मनी को मानते हुए पूरा कब्जा कर लिया है। वो 420 की जमीन है और जो पट्टा है उनका वो बाकायदा तौर पर 420 है। जो पट्टा जिनके नाम हुआ था वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, ये पूरा मैटर 420 से किया गया है। तो आप लोगों ने इसकी तहरीर कहाँ कहाँ दी है? मैंने इसकी तहरीर सबसे पहले चौकी उगू में दी जी, उसके बाद थाना फतेहपुर 84 SDM साहब को, इन सबको तहरीर दी है। तो वहाँ पे अभी कोई कार्यरत कोई काम चल रहा है वहाँ पे? हाँ, जमीन पे बहुत जोर शोर से उनका निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा, तो आपके जो आज फतेहपुर 84 थाने में आए थे तो एसओ साहब ने आप लोगों से जो परिचय हुआ उसमें क्या निर्णय निकाला उन्होंने? एसओ साहब ने पूरा सहयोग दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है इसको रोका जाएगा और ये निर्माण नहीं होगा।